तो फ्रेंड्स, किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स मिलाकर के एलिमेंट्स या पार्ट्स कहलाता है। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल के सिक्स पार्ट्स या सिक्स एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी की बात करेंगे तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उनकी शेप्स जो है सेम होना चाहिए और उनके जो साइज जो होंगी वह प्रोपोर्शन में होंगी। वहीं पे अगर हम दो ट्रायंगल के कंग्रुएंसी की बात करेंगे तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट तभी होंगी जब उनकी शेप और साइज दोनों सेम होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है और यह जो क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। हमारे पास देखिए एक फिगर बना हुआ है और इसमें कहा जा रहा है एंगल QPS, QPS मतलब ये एंगल जो है इक्वल है एंगल RPT इस एंगल के और ये दोनों एक्स एक्स है। और एक कंडीशन और भी है PRQ, ये देखिए PRQ ये एंगल इक्वल है PTS इस एंगल के। ये हमें गिवन है, यह जो इंफॉर्मेशन है हमें गिवन है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल QPR और PST सिमिलर होगा। अब सोच रहे होंगे कि दो एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये ऑटोमेटिक जो है सिमिलर हो जाना चाहिए। तो बच्चों, हमें ये भी देखना होगा कि ये दो पेयर ऑफ एंगल जो दिए गए हैं ये किस ट्रायंगल्स के रेफरेंस में है, इसका हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि हमें देखिए ट्रायंगल PQR और PST को सिमिलर दिखाना है, तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PST फिगर देखिए PQR ये एंगल है PQR और PST ये एंगल। तो ओके, सिंस एंगल QPR इक्वल टू एंगल QPR इक्वल्स टू QPR इक्वल्स टू एंगल SPT देखिए ध्यान से, ये एंगल x है और ये कॉमन एंगल है। जब इसका मैं रीजन बता रहा हूं, ये एंगल आपका x है, इसमें ये एंगल प्लस करिए SPR को, प्लस एंगल SPR ये इक्वल होगा एंगल x प्लस एंगल SPR। एक्चुअली QPR x प्लस एंगल SPR होगा, उसी टाइप से एंगल SPT भी x प्लस एंगल SPR होगा, मतलब हर एक की वैल्यू इतनी होगी। देख लीजिए कैसे, ये x और ये जब प्लस करेंगे तो आपका ये पूरा एंगल आ जाएगा एंगल QPR। यहां पे देखिए ये एंगल x है, इसमें ये प्लस करेंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल जो कि SPT है। तो एक तो हमारे पास ये दिया हुआ है, और क्या दिया है हमें, देखिए एंगल एंड एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PTS
पीटी एल, ये गिवन है। यहां पे देखिए पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पीटीएस, पी आर क्यू ये एंगल इक्वल टू पी टी एस ये एंगल। तो हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ये जो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है इसमें दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी। कैसे? बाई एंगल एंगल पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट यहां पे आप एंगल एंगल सिमिलरिटी भी कर सकते हैं, पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कर सकते हैं, कंडीशन भी कर सकते हैं, डबल एंगल के जगह पे आप ट्रिपल एंगल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है, दो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो थर्ड पेयर भी इक्वल होगी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है। तो इसमें देखिए नेमिंग करते समय हमें ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये P देख रहे हैं ना, P यहां भी है, Q जरा देखिए, Q Q यहां पे है, R थर्ड पोजीशन पे है, T थर्ड पोजीशन पे है। तो देखिए ये R और T बराबर है, ठीक है, इसका मतलब Q और S भी बराबर होगा। तो हम यहां से हाँ एक बात तो हम प्रूव कर लिया ना, ये फर्स्ट वाला, ये आपका ये जो है आपने जो प्रूव किया ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या निकालना है, PT is to ST equals to अगर 3/4 दिया हुआ है तो आपको QR रेशियो PR निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इम्प्लाइड देखिए PQ लिया, यहां से क्या लेंगे PS, PS अगर आप यहां से QR लेते हैं लास्ट टू लेटर, यहां से भी लास्ट टू लेटर लीजिए, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर, यहां से फर्स्ट और थर्ड, ये आप तभी लिख सकते हैं जब यहां पे आपने नेमिंग करते समय ऑर्डर का ध्यान रखा है, मतलब वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखा है। वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एंगल पी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंगल क्यू की वैल्यू एस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंगल आर की वैल्यू और टी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसी ऑर्डरिंग में नेमिंग यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो आप ध्यान से ये चीज लिख सकते हैं, पहले दो लेटर मिला करके एक साइड पी क्यू बन गया, यहां से फर्स्ट टू लेटर पी एस, लास्ट टू लेटर क्यू आर, यहां से लास्ट टू लेटर एस टी, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर पी आर, फर्स्ट एंड थर्ड पी टी, यहां पे 1:2:3 और ये तीनों का तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पीटी इज टू एस टी है, अभी ये दिया हुआ है, तो हमें क्यू आर इज टू पी आर निकालना है। पीटी यहां देखिए पीटी है, हमें यहां से मतलब है, ये देखिए यहां ये लास्ट टू रेशियो को हम इक्वेट कर लें, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास है पी आर सॉरी क्यू आर अपॉन एस टी इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी है, हमें पी टी रेशियो एस टी दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए ये डेनोमिनेटर में है, आप इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो ये पी टी चला जाएगा न्यूमरेटर में और एस टी ऐसे ही रहेगा, और ये देखिए पी आर राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, क्यू आर न्यूमरेटर में है तो ये डेनोमिनेटर में चला जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है तो 3/4 दिया हुआ है, और हमें पी आर रेशियो क्यू आर यहां से मिल गया,
ठीक, ये मिला हमें, यहां से देखिएगा, फिर से देखिए, पीटी रेशियो एसटी इक्वल्स टू पीआर रेशियो क्यूआर। हमें क्या चाहिए? क्यूआर रेशियो पीआर चाहिए, तो आप क्या करिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो क्यूआर अपॉन पीआर, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूआर रेशियो पीआर कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों, और करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि एबी परपेंडिकुलर है बीसी पे और डी भी परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब एबी और डी दोनों का दोनों परपेंडिकुलर है बीसी पे। हमें एबी दिया है 9 सेंटीमीटर, डी दिया है 3 सेंटीमीटर, एसी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग को एडी निकालना है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करें कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं उसे हम लोग सिमिलर प्रूफ करें। तो मैं लेने वाला हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये मैं लेने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, ये दोनों का दोनों कितना है, तो 90 डिग्री है। और बच्चों ये एंगल क्या है, ये ऐसी एंगल है जो दोनों ट्रायंगल का एंगल है, मतलब ये कॉमन एंगल है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, और इसको मैं लिख रहा हूं कॉमन एंगल। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलाकर के 180 होता है। हम देख रहे हैं कि दो पेयर ऑफ एंगल्स जो है इक्वल है, तो थर्ड जो पेयर होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। ट्रायंगल एबीसी का तीसरा एंगल कौन सा होगा? देखिए ट्रायंगल एबीसी का एक एंगल हमने ये लिया है, एक ये लिया है, तो थर्ड एंगल ये होगा। ये इसका नाम कैसे देंगे, तो थर्ड एंगल, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल यहीं से आप दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी बता देंगे, सफिशियंट है ये। मैं आप जानबूझ के थर्ड एंगल दिखा रहा हूं, तो थर्ड एंगल, थर्ड एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू थर्ड एंगल आपका यहां ये, ये, तो ई डी सी। तो इस तरीके से हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहां पे देखिए मैं ऑर्डरिंग की जो बात कर रहा हूं बार बार, कि दो ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर दिखा रहे हैं, सिमिलर दिखा रहे हैं, तो दिखाते समय जो आप लेटर का ऑर्डरिंग करेंगे वह इंपॉर्टेंट है। पहले ए रखा हूं, तो दूसरा जो ट्रायंगल रखेंगे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंगल ए की जितनी वैल्यू है दूसरे ट्रायंगल में भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। एंगल ए ये थर्ड एंगल है, इसके बराबर हम लिखेंगे डी, बी यहां पे 90 है, यहां पे 90 वाला लेंगे तो ई हो जाएगा, फिर ये सी कॉमन एंगल है, इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से सिमिलरिटी लिखते समय आप जब नेमिंग करते हैं तो लेटर्स का ऑर्डरिंग पे ध्यान देंगे, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से जो वर्टेक्स हैं उनमें कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब लेटर्स का आप ऑर्डरिंग उसी हिसाब से रखेंगे कि वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस मैच करे,
मतलब सेम एंगल वाला वर्टेक्स उसी ऑर्डर में हो, सेम एंगल वाला। यहां पे हमने क्या लगाया, तो बाई एंगल एंगल। अब चूंकि हम तीन एंगल दिखा दिए हैं तो मैं लिख दे रहा हूं ट्रिपल एंगल। पॉस्टुलेट्स कहिए या कंडीशन कहिए या क्राइटेरिया कहिए, ठीक है, सिमिलरिटी भी कर सकते हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। अब देखिए इंप्लाई, पहले दो लेटर ए बी, इसमें डी ई, लास्ट टू लेटर बी सी, यहां पे ई सी, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ए सी, यहां पे डी सी। हमें देखिए क्या क्या दिया है, जब देख लिया जाए ए बी 9 दिया है, डी ई 3 दिया है, बी सी नहीं पता, ई सी नहीं पता, ठीक, ए सी 24, डी सी नहीं पता। हमें देखिए डी ई जो है दिया है, तो डी हम लोग लिखे भी नहीं, लिखे तो है, लिखे यहां पे देखिए तीन दिया है, तीन हम लिख लिया। अब देखिए यहां से हम डी सी निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए करना क्या है, आपको चाहिए एडी चाहिए, तो अगर आप डी सी निकाल लेते हैं तो एसी माइनस डीसी कर लेंगे तो आपका एडी आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 1 2 3 रेशियो है, तो मैं फर्स्ट और मैं थर्ड को यहां से इक्वेट करने वाला हूं, 9/3 आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका 24 अपॉन डीसी, आपको यहां से डीसी आसानी से मिल जाएगा 24 अपॉन 3, तो आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये डीसी निकल गया, आपको क्या चाहिए, आपको तो एडी चाहिए, तो एडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एसी माइनस डीसी कर लीजिए। एसी कितना है, 24 है, तो 24 सेंटीमीटर और ये माइनस 8 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस सेशन में हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड दो क्वेश्चन किया है, और इसके पिछले वाले जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।